बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल माय रेसिपी बॉक्स। जहाँ जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में रहें। अल्लाह ताला सबका रिज़्क़ कुशादा करे, बीमार को शफा अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ आज मैं अपनी रेसिपी का आगाज़ कर रही हूँ। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त यूनिक सी रेसिपी बना रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ बीफ और ग्रीन बीन्स, इसको उर्दू में हम लोग रवा की फलियां भी कहते हैं। तो ये इसके लिए मैंने बीफ लिया है, तकरीबन 1 kg होगा। आप अपनी अकॉर्डिंग जितना भी आपको चाहिए आप ले सकते हैं, तो उसके हिसाब से मैंने इतनी ली है। तो सबसे पहले मैं मटन रखूँगी। तो आए अब हम शुरू करते हैं। इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया। अगर ज़्यादा टाइम है तो आप वैसे भी इसके लिए मैंने, अगर मीडियम है तो 2 ले लें, अगर लार्ज साइज़ के तो आप एक। मैं मीडियम साइज़ के 2 मैंने अनियन ले लिए हैं और 1 फ्लावर जो मैंने गार्लिक का लिया है डाल के। तो मैं अब इसके अंदर वाटर डाल देती हूँ। डाल के मैं इसका प्रेशर बंद कर देती हूँ। इसको मैं तकरीबन 30 मिनट के लिए रखूं, क्योंकि बीफ है थोड़ा सा टाइम ले जाता है। तो जैसे ही ये थोड़ा सा हो जाएगा, कुक होगा, टेंडर होगा, तो फिर मैं चेक कर लूँगी। तो फिर मैं इसके स्टेप 2 की तरफ हम लोग आएँगे। प्रेशर कुकर मैंने खोल लिया, हमारा माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त टेंडर हो गया। तो अब मैं ये देखती हूँ कि इसकी जो थोड़ी सी यखनी ना, ये थोड़ी सी ड्राई हो जाए, तो फिर मैं बाकी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैं अब इसके अंदर डाल देती हूँ, लार्ज साइज़ का मैंने लिया एक टमाटर, 3 से 4 अदद मैंने लिए सब्ज़ मिर्चें, और अदरक लिया मैंने तकरीबन 1 tablespoon से ज़्यादा। लहसुन मैंने क्योंकि पहले डाल दिया हुआ था। ड्राई होने वाला है, तो अभी मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल देती हूँ, जिसमें मैंने लिया 1 teaspoon भर के मैंने लिए रेड चिली पाउडर, 1/2 teaspoon नमक लिया, आप अपने जायके के मुताबिक आप शामिल करें नमक, 1/4 teaspoon टर्मेरिक, रेड चिली फ्लेक्स 1/2 teaspoon, और 1 tablespoon लॉयस भर के मैंने लिए खुश्क धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर दोनों मिले। अभी टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर मैं साथ ही इसके अंदर ऑयल डाल देती हूँ। अभी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेंडर होया हुआ है। साथ ही अब मैं इसके अंदर ये बीन्स डाल देती हूँ। ताकि उसके साथ बुनाई होते साथ साथ इसी की भी बुनाई होती है। मैं एक 1/2 से भी थोड़ा सा ग्लास इसमें पानी डालूंगी, ताकि जो हल्का सा होते ना ये बीन जो है इसमें कच्चा पाना रहे, ये पक जाए। माशाल्लाह ये देखिए हमारी फाइनल लुक देख लें। तो मैं इसको डिश आउट करती हूँ। माशाल्लाह ये देखिए हमारी फाइनल लुक, मैंने डिश आउट कर दी है, बहुत ही ज़बरदस्त है। साथ आप रोटी बनाएं, नान के साथ लें, अमेजिंग लें। अगर चाहें तो आप हल्की सी ग्रेवी भी बना सकते हैं, इसकी बहुत ज़बरदस्त वैसे भी लगता है। आप चाहें तो इस तरीके से भी आप इस तरीके से भी इसको सर्व कर सकते हैं, अमेजिंग। ये गर्मियों में बहुत ज़बरदस्त ये है खाना, आप बनाएं इस तरीके से, लवली।